गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटेशन में। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग कवर करेंगे 22 तारीख का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही में हम लोग देखेंगे आज की हमारी कंट्री और हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज का सेशन। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते दोस्तों आज की हमारी कंट्री जो की है पेरू। पेरू दोस्तों एक वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो है लीमा। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मार्टिन विस्कारा। यहाँ की जो करेंसी है वो है सोल। दोस्तों यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मार्टिन विस्कारा, अभी इन पे इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग का प्रकरण जो है चला था, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक जो है पार कर लिया है और वो वहां के प्रेसिडेंट रिटेन हो गए हैं फिर से। ये देखिए यहाँ का पेरू का जो है ये फ्लैग है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स। सबसे पहले कैबिनेट ने दोस्तों मार्केटिंग सीजन 21-22 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो रबी क्रॉप्स की डिक्लेयर कर दी है। वीट की जो रबी क्रॉप, वीट की जो मार्केटिंग प्राइस है यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो है 1975 यानी 1975 जो है वो इस साल रहेगी। बार्ली की रहेगी 1600, ग्राम की रहेगी 5100, लेंटिल जिसमें मसूर की जो रहेगी वो रहेगी 5100, मस्टर्ड की जो रहेगी वो रहेगी 4650 और सफ्लावर की जो रहेगी वो रहेगी 5327। पिछली बार से दोस्तों जो वीट की जो प्राइस है वो 50 रुपये ज़्यादा है, बार्ले की 75 रुपये ज़्यादा है, ग्राम की 225 रुपये ज़्यादा है, लेंटिल की 300 रुपये ज़्यादा है, मस्टर्ड की 225 रुपये ज्यादा है और सेफ फ्लावर की 112 रुपये जो है वो ज्यादा है। ओके, तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है जितनी भी रबी क्रॉप्स हैं उनकी और उनके करंट एमएसपी की। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में दोस्तों अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ है। इस बिल के तहत जो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा जो है वो दिया गया है। साथ ही में इसके राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल भी पास हुआ है। इस बिल के थ्रू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात में जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। आगे देखते हैं, इंडिया ने मालदीव्स के लिए अपनी पहली डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस की जो है शुरुआत करी है। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे तो उन्होंने ये डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस इंडिया और मालदीव्स के बीच में शुरू करने के लिए बात कही थी और 15 महीनों बाद पहली कार्गो शिप जो है वो मालदीव्स में, मालदीव से जो है इंडिया की पोर्ट ऑफ ट्यूटिकॉन जो है वहां से मालदीव की तरफ रवाना हो गई है। दोस्तों ये पोर्ट ऑफ ट्यूटिकॉन है ये अब जो है वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर जाना जाता है और इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स में से ये एक पोर्ट है। इसे मेजर पोर्ट का दर्जा जो है वो 11 जुलाई 1974 में मिला था और ये तमिलनाडु का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है और फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है इंडिया का। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में दोस्तों अब जो बच्चों की यूनिफॉर्म है, जो स्कूल यूनिफॉर्म रहेंगी वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो है बनाई जाएंगी। साथ ही में यही सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे न्यूट्रिशन फूड का आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो ये डिक्लेरेशन जो है अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने करा है। आगे देखते हैं, जापान में दोस्तों एक बुंड्राको नाम से पपेट जो है वहां पर काफी फेमस है। वहां का एक ट्रेडिशनल बुंड्राको पपेट है और बुंड्राको पपेट नाम से वहां पे एक थिएटर भी है। तो कोरोना वायरस के टाइम पे इस पपेट के जो है बुंड्राको पपेट के शो जो है काफी चले हैं वहां पे इस पेंडेमिक के टाइम पे। तो अगर हमें कुछ याद रखना है यहाँ से तो इतना ही रखना है कि बुंड्राको पपेट जो है वो जापान से रिलेटेड है, यहाँ के ट्रेडिशनल पपेट्स हैं ये। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 21 तारीख को आप जानते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे था और इस डे को इसलिए मनाया जाता है ताकि अल्जाइमर से, डिमेंशिया से रिलेटेड अवेयरनेस जो है यहाँ पे फैलाई जाए। और अल्जाइमर एक ऐसा डिसीज है जो कि कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया है,
इसमें एक ये प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसीज होता है जिससे कि लॉस ऑफ मेमोरी और थिंकिंग स्किल जो है हो जाती है। थिंकिंग स्किल जो है धीरे धीरे कम होती है, मेमोरी लॉस भी धीरे धीरे होता है इसमें डिमेंशिया या अल्जाइमर में। चलिए आगे देखते हैं। 21 तारीख को दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पीस था और इस डे को आइडिया ऑफ पीस को स्ट्रेंथन करने के लिए मनाया जाता है और इस साल की जो थीम रखी गई है इसकी वो रखी गई है शेपिंग पीस टुगेदर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आज है वर्ल्ड रोज डे। ये रोज डे वैलेंटाइन डे वाला रोज डे नहीं है, ये रोज डे जो है वो है वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स के लिए। दोस्तों वर्ल्ड रोज डे जो है मनाया जाता है एक 20 ईयर ओल्ड मेलिंडा रोज जो कि कनाडा की रहने वाली थी, उन्हें एक रेयर कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर हुआ था जिसका नाम था एस्किन्स ट्यूमर। उनकी याद में जो है वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। ये कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और जो लोग अभी कैंसर से सफर कर रहे हैं उनकी लाइफ में खुशी लाने के लिए जो है वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक काम करते हैं, प्रेजेंटेशन के एंड में इस मंथ की सारी इंपॉर्टेंट डेट जो हैं जो 21 से 30 तारीख की रही है वो रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों अभी आपने डिस्कस करा कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे था 21 तारीख को। 21 तारीख को ही डे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस था। 22 तारीख को यानी आज के दिन रोज डे वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स था। 23 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज आता है। 26 को आता है डे ऑफ डीफ, इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ आता है। 26 तारीख को वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे आता है। 27 तारीख को वर्ल्ड टूरिज्म डे आता है। 27 तारीख को ही वर्ल्ड मैरिटाइम डे आता है। 29 तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे आता है। 30 तारीख को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शनल डे आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हमने शुरुआत करी हमारे आज की कंट्री पेरू से, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे आज के, और लास्ट में हमने इस मंथ की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को जो है कवर किया। आई होप आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जी हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कुछ सुझाव हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस।